हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर बनाने जा रही हूँ। होममेड पनीर घर पे कैसे निकाले, बिल्कुल मलाई की तरह बना है, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट स्पंजी। दोस्तों, घर में मुंह में घुल जाने वाला, घर में आप किस तरह से पनीर निकाल सकते हैं मैंने पूरा तरीका वीडियो में बताया है। दोस्तों, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। थैंक यू दोस्तों। आइए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने चिली पनीर की तरफ। तो चिली पनीर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा। पनीर भी हम घर पे ही निकालेंगे, आपको मार्केट का लेना है तो ले सकते हैं। फिलहाल मैंने 1.5 केजी दूध ले लिया है, मेरा पहले से बॉयल था। मैं इसको हल्का सा गुनगुना कर रही हूँ ताकि इसमें विनेगर और पानी थोड़ा मिला के हम फाड़ सकें। इधर मैंने देखिए एक बाउल लिया है, बाउल में 1/2 कप पानी लिया है मैंने, 1/2 कप ये वाला और 1/2 कप ही पानी इसमें, वो सॉरी 1/2 कप विनेगर लिया था और 1/2 कप मैंने पानी इसमें मिला लिया है। ये हो गया हमारा पूरा 1 कप, ये वाला 1 कप हो गया पूरा। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितना दूध है उस हिसाब से आप क्वांटिटी, दूध की अगर ज्यादा क्वांटिटी होती है तो 1 कप भी ले सकते हैं, 1 कप पानी कर सकते हैं। ये मेरा 1/2 कप है, 1/2 कप में से 1/2 कप मैंने लिया है, छोटा वाला 1/2 कप। दूध हमारा हल्का हल्का गुनगुना हो जाए, उंगली डाल के देखिए इसमें हल्का सा उंगली में लगने लगे, तब हम क्या करेंगे, गैस को लो फ्लेम में ही रखना है, हाई पे नहीं करना है। ये देखिए विनेगर और पानी मिला के पूरा 1/2 कप हो गया है। 1/2 का 1/2 कप हमने पानी लिया था, 1/2 कप हमने लिया था विनेगर। अब इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और छोड़ देंगे ऐसे इसको गर्म होने में। इसको ज्यादा हिलाना नहीं, बस छोड़ दीजिए आप। हमारा पनीर अच्छा और सॉफ्ट बनने के लिए इसमें एक चीज हमें करनी पड़ेगी, इसको आप ज्यादा हिलाना नहीं, हिलाएंगे नहीं, जब ये थोड़ा थोड़ा फटने पे आए आप लोगों को पता लग जाएगा, दूध तो देखने से पता लग जाता है कैसे फट गया है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे डालते रहिए और धीमे धीमे हिलाते रहिए। इसे ऐसे डाल दिया, हल्का सा हिला दिया, फिर छोड़ दिया। बहुत ज्यादा इसको तेज नहीं करना, गैस लो में रखना है, स्लो बिल्कुल करनी है। ये देखिए दोस्तों, दूध हमारा फट गया है, पानी अलग हो गया, पता चल रहा है ना। ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम एक कपड़े पे छान लेंगे ताकि पनीर निकालना है हमको, दबाने में आसानी हो। इसको स्ट्रेनर में भी निकाल सकते हैं आप लोगों के पास, या पनीर मोल्ड हो उसमें और भी अच्छा है। मेरे पास पनीर मोल्ड नहीं है दोस्तों, जब घर में काम चल रहा है तो पनीर मोल्ड लेने की क्या जरूरत है। ये देखिए कितना अच्छे से फट गया है। आइए तो आगे का प्रोसीजर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक कपड़े से महीन कपड़ा ले लिया था, इसमें स्ट्रेन कर लिया था। स्ट्रेन करने के बाद देखिए इसको धुल लिया है साफ पानी से। धुलने के बाद अब मैं बताती हूँ किस तरह से इसको दबा के रखना है। ये देखिए ऐसे स्ट्रेनर ले लेंगे, थाली के ऊपर इसको पलट के रख लेंगे और इसको यूं करके आप रख दीजिए। इससे क्या होगा, इस पे प्रेशर के लिए हम कुछ रखेंगे, तो अगर रोटी वाला पटला हो आपके पास तो उसको उल्टा करके रख देंगे ऐसे, ठीक है। रखने के बाद इसको, इसके ऊपर कोई भी ऐसा वेट रख दीजिए जिससे इस पे दबाव पड़ सके। आप 2 से 2.5-3 घंटे तक के लिए इसको रखा रहने दीजिए। थोड़ा सा अगर चिली पनीर बनाना है तो आप लोग, आप बता दूं दोस्तों, तो पनीर हमारा थोड़ा सा अच्छे से दबा हुआ होना चाहिए ताकि हम इसमें कट करने में पीसेस अच्छे आए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इसको बनाने के बाद आपको। ये देखिए दोस्तों, पनीर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखो खोलती हूँ आप लोगों के सामने, 2.5 घंटा हो गया मुझे इसको, उसके बाद ही मैंने वीडियो आपको दिखाने के लिए, 2.5 से 3 घंटा आराम से लग जाता है। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कट कर लेंगे, कितना सॉफ्ट बना है।
इस तरह से आप लोग बना सकते हैं घर में पनीर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को मेरी पनीर की रेसिपी कैसी लगी हो लगी है बताइएगा। ये देखिए दोस्तों कितना सॉफ्ट बना है। मलाई क्रीम क्रीम की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर बना है दोस्तों। इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं। पनीर मैंने जो दूध से फाड़ा है, आप लोगों को कैसी लगी है ये होममेड पनीर, आप कैसे बनाए घर पे ये देख लीजिए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी ये पनीर की वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।